फ्रेंड, मैं आपको अभी टिक्का बनाना सिखा रहा हूँ, चिकन टिक्का बोटी। इसके लिए मैं जो मुर्गी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पूरी मुर्गी साबित मुर्गी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं तो बोनलेस मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इसलिए बोनलेस मीट इस्तेमाल करें। तो पहले कटिंग कर लेते हैं चिकन की, तो मैं एक काट लेता हूँ। इसको मैं इधर कट लेता हूँ, इसको मैं दो पीस कर लेता हूँ। मैंने इसके लिए 1100 ग्राम का चिकन लिया है, तो आप इनकी जो साबत इसम जो है ना चिकन गोश्त चिकन था, मैंने 1100 ग्राम लिया। तो आपको नॉर्मली 2 किलो का चिकन होता है, 1100 ग्राम 1200 ग्राम गोश्त निकलता है, तो आप ले सकते हैं। दूसरे चिकन में काट लेता हूँ, काफी ठंडा चिकन जैसे हाथ नहीं लगाया जा रहा, चला गया अगर आप चिकन टिक्का के लिए जो पीस करवाएंगे ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो कढ़ाई के पीस होते हैं ना, बड़ा पीस वो करवाइएगा, वो छोटे पीस होते हैं तो वो सही रहेंगे। नॉर्मल जो पीस करते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, वो 8 10 रुपये पीस, तो आपने कढ़ाई के 12 से 14 वाले पीस हैं वो रखाने हैं। चिकन मैंने काट लिया। अच्छा, चिकन को मैंने काट लिया है, अब मैं इसको मैरिनेट कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि पपाया मसाला मेरे पास नहीं है, वैसे पपा पाउडर भी नहीं है, ना ही मेरे पास और ये वो क्या कहते हैं फ्रेश में है, तो मैं इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 बड़े खाने के चम्मच जो होते हैं ग्रीन मसाला, ये मैं इसमें दो दो बड़े टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं। ये इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था दूसरी रेसिपी में, इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली, लहसुन, अदरक और हरा धनिया डाला है, सब्ज़ धनिया जो होते हैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल रहा हूँ अजवाइन, पीसी हुई अजवाइन, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून को पीस लिया था। उसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला, और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब है इसमें कुमिंग पाउडर, जीरा पाउडर, यानी कि 1 टेबल स्पून कर लें या 2 टीस्पून कर लें काली मिर्च के। मैं रेड चिली इतनी पसंद नहीं करता, तो मैं बस एक भर के चम्मच डाल दिए मैंने रेड चिली की। टर्मिक पाउडर मैं 1/2 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। पपरिका पाउडर है, करीबन मैं इसमें, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी
मिर्च डाल सकते हैं, वो जायका वो उसको कलर देने के लिए होती है, ठीक है। और ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रहा हूँ वाइट नमक, हमने हसबे जायका। लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 6 से 7 टेबलस्पून डाल दिए, जिसको आप हाफ कप भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे बटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन 100 ग्राम बटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। टिक्का मसाला जो होता है, टिक्का पोटी मसाला, वो डाल दें। टिक्का पोटी मसाला आपने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लव्स पहन के सही तरह, वो प्रॉपर मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, उससे सही तरह मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने कहा हाथ से करते हैं। अच्छी तरह हाथ को, हाथ की कुकिंग करने से पहले अच्छी तरह हाथ को धो लीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी डाल रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 टेबल स्पून के करीब। तीन से चार घंटे मैरिनेट करके रखेंगे, उसके बाद उसको ना हम बना लेंगे। और मैं अभी घर से निकलने लगा हूँ, तो मुझे 3 से 4 घंटे हो जाएंगे बारबेक्यू की जगह पे पहुँचने में, तो उसके बाद हम इसको तैयार करते हैं। यहाँ से ठीक है, हो जाएगा बस। ठीक, ये चला नहीं है अभी, जल गया। इसको एहतियात करें भाई, ये गर्म होता है। जी जी तैयार होने वाले हैं उसको, बहुत ज़्यादा हीट तो है, बहुत ज़्यादा हीट है। चलिए जी रखते हैं फिर, और को लगाना। ये मज़े की चीज़ लग रही है, ये लाहौरी टिक्का है। अच्छा, ये सब चिकन ही है? चिकन ही है। वो था ना मलाई बोटी, और ये है चिकन। हड्डी भी साथ है, हड्डी भी साथ। हटे कितनी रोटी? 5 है ना, पिघलेगा तो नहीं, देख ले करीब लेके जाओ। गोला कम नजर आ रही है, चार लाइन एक मैंने उठा लिए। अच्छा, एक आप, अच्छा नहीं, दो सही आपकी, दो सही। और लगाओ, बस होगी ना। यार आग ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये जो है मैं करता हूँ, ये मिर्च ऑयल ले लें, मिर्च ऑयल ले, वो वाली इधर कर दें, ये वाली उधर ले दें, चल रहे हैं, ये वाली उधर ले, मुकर पे ले लें। वो ये तो ज़्यादा हो गई। पानी देना जरा, पानी छिड़कना करते हैं थोड़ा सा, आँच हल्की हो, ये नहीं तो चिपके। मगर यहाँ से लाइट कम है यार, यहाँ से नहीं बनेगी, यहाँ यूं बनेगी, यहाँ से ही।
चले भी अब आप इस तरफ में आग ज्यादा है, अगर इसको सीखों को इस तरफ कर दें उल्टा ऐसा कर ये कैसा रहेगा? ये वो भी ठीक है इधर इधर वाली जान नहीं है अभी एक मिनट को ना बिलाल भाई तो करीब आए अच्छा यार ये आपके यार होने का जूसी है काफी तो क्या दिखाना चाहिए उसमें वो दिखाना है उसमें रोटी के साथ उतारना कमरान भाई आप वैसे वीकेंड पे क्या करते हैं नॉर्मली फैमिली के साथ कहीं इधर उधर सैटरडे को अक्सर काम होता है ना जी किसका मतलब और अपना मैनेजमेंट करता हूँ मैं जो है वो अपनी इंटरव्यू वगैरह करता हूँ